और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से, रायपुर से बड़ी खबर। आज उपराष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं जगदीप धनखड़। 9:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 9:30 पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे एयरपोर्ट रायपुर, और 10 बजे एयरपोर्ट से राजभवन के लिए जगदीप धनखड़ रवाना होंगे उपराष्ट्रपति। 11 बजे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जाएंगे और विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे, और दोपहर करीब 12:15 पर राजभवन लौटेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 4:10 पर विधानसभा जाएंगे जगदीप धनखड़ और विधानसभा के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के नहीं जाने पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रभु राम सबके हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं और छत्तीसगढ़ में अयोध्या ही की तरह उत्साह होगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 5,000 कलाकार विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रदेश में लगभग सभी जगह दीपावली की तरह माहौल होगा। साथ ही ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ सरकार 20,000 लोगों को हर साल अयोध्या लेकर जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से बात करें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 तारीख को हो रही है। सर, छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले से ही वहां पर 22 तारीख को शराबबंदी की बात कर दी थी, अब छुट्टी की भी बात हो गई है, सर कैसे देखते हैं इसे? देखिए, प्रभु राम लला छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, माँ कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है, कौशल प्रदेश है। प्रभु राम के वन गमन मार्ग का बहुत बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ से गुजरता है और पूरे छत्तीसगढ़ में एक उत्साह का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में भांजों का पैर धोते हैं, क्योंकि ऐसी कथा है कि छत्तीसगढ़ के भांजे प्रभु राम हैं, तो हर भांजे को राम माना जाता है। और छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि अयोध्या जैसा वातावरण है, 5,000 रामायण मंडलियां गांव गांव में, हर मंदिरों में, हर ब्लॉक में, हर जिले में भजन करेंगी। छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग ने उनको स्पॉन्सर किया है। सर, अगर हम बात करें, सर जब हमें चुनाव हो रहे थे छत्तीसगढ़ में, वहां पर आपकी सरकार ने वादा किया था, जब आपकी पार्टी ने वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो रामलला के दर्शन करवाने ले जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ है? हमने योजना बना ली, कार्य योजना बन गई, कैबिनेट से पास हो गई। 20,000 दर्शनार्थियों को हम प्रतिवर्ष ले जाने का हमने निर्णय कर लिया है। सर, मैं आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब हम देखे रामलला पे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन कई विपक्षी पार्टियां जो है, चाहे कांग्रेस हो, वो कह रही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिकरण जो है वो हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे? रामायण की ही चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। तो मुझे लगता है कि जो प्रभु राम को नहीं मानने वाले लोग हैं उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अप्पू पाठक के साथ विनित कुमार, News18 दिल्ली। और कांकेर के पखांजू नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार गिर गई। ये नगर पंचायत बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड के बाद से सुर्खियों में था। क्या असीम राय हत्याकांड से नगर पंचायत में वोटिंग का कलेक्शन रहा? इस रिपोर्ट में देखिए। कांकेर के पखांजूर नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार गिर गई। पार्षद कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। जब वोटिंग हुई तो 15 में से 11 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया और पखांजूर नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार गिर गई। विश्वास प्रस्ताव आज नगर पंचायत पखांजूर के सभी पार्षदों के द्वारा लाया गया है। अब नेक्स्ट में चुनाव कब होगा ये डिसाइड ये करके तारीख बताएंगे, और तारीख जब बताएंगे तो हमारे जितने पार्षदगण हैं सब आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि नगर पंचायत के अध्यक्ष कौन होगा। नगर पंचायत पखांजूर में 15 वार्ड हैं, जिसमें भाजपा के 9 पार्षद और कांग्रेस के 6 पार्षद जीत कर आए थे। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली थी, लेकिन बीजेपी के 2 पार्षद वार्ड क्रमांक 2 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के पार्षद विकास कुमार पाल और वार्ड क्रमांक 4 शीतला माता वार्ड की पार्षद माया रानी सरकार बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में चले गए।
जिसके बाद कांग्रेस के बप्पा गांगुली अध्यक्ष बने और माया रानी सरकार उपाध्यक्ष बन गयी। हमारे पास तो 11 लोग तो 11 के 11 सभी अपने पक्ष में पड़ा है, नाम तो कई लोगों का आ सकता है लेकिन वो तय करेंगे आपस में बैठ के। इस बीच कांग्रेस के पार्षद जो अध्यक्ष से नाराज चल रहे थे, उन्होंने नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष असीम राय से मुलाकात की, जिसके बाद पूर्व अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन प्रशासन को सौंपा। इसके बाद से लगातार उठापटक चलती रही और असीम राय को भारी पड़ता देख उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल पर लगा और फिलहाल दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। राजनांदगांव में पीट पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई, जहां डंडे से पीट पीट कर चाकू से वार कर उसकी हत्या की गई। पुरानी रंजिश में मडई मेले में चाकूबाजी हुई, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बसंतपुर थाना क्षेत्र के धर्रे गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक नाबालिग समेत राकेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। राकेश, क्या कुछ है इस पूरे मामले को लेकर जानकारी? हाँ जी आशीष, मैं आपको बता दूं कि गांव में अभी मंडई मेले का दौर चल रहा है। इस दौरान गांव में मंडई मेले का आयोजन हो रहा था और इस आयोजन के दौरान यहाँ जो शहर के जो लड़के हैं, पास के ही गांव में मंडई मेला लगा हुआ था, वहां पहुंचे हुए थे। इस दौरान इनकी कुछ पुरानी रंजिश भी थी, जिसके बाद ये एक दूसरे को सामना हुआ। इस दौरान ये आपस में इनका विवाद हुआ, पहले तो बहस हुई एक दूसरे के बीच, उसके बाद जो युवक थे, जो आरोपी थे, उन्होंने चाकू और डंडे से उस युवक पर हमला कर दिया और लगातार उस पे चाकू और डंडे से हमला होने के कारण युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लेकिन हालांकि पुलिस और लोगों की मदद से युवक को अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। कार्रवाई क्या हो रही है? आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभी भी जांच में जुटी है कि शायद कुछ और लोग जो है वो उनका नाम इस मामले में जुड़ सकता है। अभी भी पुलिस जांच में जुटी है। ठीक है, अपना साथ बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अंबिकापुर में बेकाबू कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी पर सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 साल के एक मासूम भी शामिल है। वहीं हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार के रडार पर मदरसे हैं। एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट आई, जिसमें यह बताया गया कि 186 मदरसों में 2000 से ज्यादा बच्चे हिंदू हैं और शिक्षा ले रहे हैं। आखिर क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में मदरसे सरकार के रडार पर हैं। डीपीसीएम विजय शर्मा ने कहा कि मदरसों में अगर मजहबी तालीम दी जा रही होगी तो वहां सख्त एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि मदरसों पर सरकार पैसे खर्च करती है, अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो ठीक नहीं किया जाएगा। अरे भाई, तो मदरसों में तो सरकार का पैसा लगा है भाई, क्यों नहीं देंगे तालीम हिंदू बच्चों को? क्यों नहीं देंगे तालीम भाई? मदरसों में तो सरकार का पैसा लगा है ना। ना इस्लाम की शिक्षा दी जा रही होगी तो वो गलत है। मदरसों में पढ़ाई जो कराई जानी चाहिए वो पढ़ाई कराई जानी चाहिए, उसका उसको ध्यान भी करना चाहिए। कि सरकारी अनुदान प्राप्त हो न हो, कोई भी ऐसी संस्था हो जो कुछ एक तरफा अगर काम कर रही हो तो वो चीज़ें गलत होती हैं, उनको ठीक किया जाएगा। और दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मदरसे में कोई बच्चा पढ़ता है जहाँ पर सरकार का पैसा लगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मतलब वो अपन उसको डन करके उनको इशू बनाए ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कुछ गड़बड़ है तो ये सरकार विष्णुदेव सरकार है भैया, ये समझ लेंगे। डीपीसीएम का ये बयान एनसीपीसीआर की इस रिपोर्ट के बाद आया, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के 186 मदरसों में 2000 से ज्यादा हिंदू बच्चे शिक्षा ले रहे हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर इन बच्चों को स्कूलों में शिफ्ट करने की तैयारी में है। इन बच्चों को क्षमता के अनुसार उनके घर के पास स्थित स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा और उनको शिक्षा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मदरसों में सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, वो किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हों, उन्हें एडमिशन मिलना चाहिए, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन विजय शर्मा जी को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों से जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की विजय शर्मा जी की सरकार है, वो लगातार मदरसों को बंद करने का कार्य कर रही है। केंद्र द्वारा मदरसा को मिलने वाली आर्थिक सहायता को वो उन्होंने खत्म कर दिया है और जो मदरसों में शिक्षक हैं वो आज आर्थिक रूप से किस तरह से परेशानियों से जूझ रहे हैं, किस तरह से वो दर दर भटक रहे हैं, वो जानकारी उन्हें पहले लेनी चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग को भेजी गई जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम सरगुजा के मदरसों में पढ़ रहे हैं, जिसके बाद बस्तर और महासमुंद में। बता दें कि सारा हंगामा उत्तराखंड में मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने के विवाद से शुरू हुआ। ये विवाद उत्तर प्रदेश पहुंचा तो वहां भी मदरसों में भी गैर मुस्लिम छात्रों की ज्यादा संख्या मिली। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने देश भर में आंकड़ा मांगा, जिसके बाद छत्तीसगढ़ को लेकर भी ये खुलासा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और 3 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला आदिवासियों का महोत्सव पेंड्रा में जिसका आगाज हो गया है, बार महोत्सव 3 दिन तक चलने वाले इस समारोह में आदिवासी समुदाय के युवक और युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के वनांचल गांव में आमा गांव में बार उत्सव मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेंड्रा जिले के गंगई नेचर कैंप में नौकायन की शुरुआत हुई। वन विभाग ने पर्यटकों के मनोरंजन के लिए नौकायन का आयोजन किया, जिसका जायजा लेने कलेक्टर, एसपी, डीएफओ और पर्यटन नोडल ने जायजा लिया। नौकायन की शुरुआत होने से स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। देश भर में इस वक्त अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह है और इसी संघर्ष को लेकर एक फिल्म 695 यानी 695 रिलीज हुई है। फिल्म में सिंघम, सिम्बा जैसी फिल्म्स में काम करने वाले मशहूर कलाकार अशोक समर्थ ने भी काम किया और फिल्म की शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा अयोध्या में भी शूट हुआ। न्यूज 18 से उन्होंने अपने किरदार अयोध्या के संघर्ष को लेकर खास बातचीत की। तो इन दिनों एक फिल्म की बड़ी चर्चा है 695 अयोध्या किस तरीके से वहां पर संघर्ष हुआ, किस तरीके से राम मंदिर बना, इस पर बेस्ड है। इसमें कई दिग्गज कलाकारों ने काम किया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे दिग्गज कलाकार जिन्होंने बॉलीवुड में अलग अलग कैरेक्टर रोल निभाए हैं और अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन 695 में काम करने का अनुभव का कहना है कि कुछ हटकर है। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक समर्थ जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारी फिल्मों में आपको देखा है, अलग अलग किरदार में देखा है, 695 क्या है आपके लिए? 695 मेरे लिए बहुत कुछ है, ऐसा एक अभिनेता के तौर पे मैं मानता हूँ, क्योंकि 695 के उस किरदार ने मेरी कम से कम 8-10 दिन नींद उड़ाई। और नींद उड़ाई इट मीन्स मैं जागा इसलिए बचपन से लेके आज तक हम सभी लोगों ने हमारे पुरखों से, दादा दादियों से, नाना नानियों से हमने रामायण की, राजा रानी की कहानियां हम लोगों ने सुनी थी। तो बचपन में मैंने भी रामायण सुनी थी और उस प्रमाणित सत्य को दुनिया के सामने लाने का एक मुझे मौका दिया। हम जब कोई किताब पढ़ते हैं तो उस लेखक का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे समझ में आता है। जब उस किताब को हम कहानी में पिरोने की कोशिश करते सिनेमा के दायरे में,
तो फिर व्यक्तिरेखा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। तो ये एक बार नहीं, ऐसे कई बार होता है कि जैसे कि मैं अभी देखिए, अभी तक मैंने जितने भी सारे चरित्रों को निभाने की कोशिश की तो मेरे पर्सनैलिटी को देखकर सब लोगों ने मुझे कभी निगेटिव और एक अलग तरीके के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रेट करने का मुझे मौका दिया। आज मैं एक संत महात्मा का किरदार में पोर्ट्रेट कर रहा हूं। तो मैं, मेरा जो स्टडी है, मेरी जो अपनी थॉट प्रोसेस है, मेरा जो बैकड्रॉप है, वो मेरा मराठी थिएटर है। लैंग्वेज कोई भी हो लेकिन थिएटर का बैकग्राउंड जिसका है, तो मुझे थर्ड पर्सन बन के अपने किरदार की तरफ देखने का एक नजरिया हमारा तैयार होता है, मेरा तैयार हुआ है। और मैं अशोक समर्थ, अगर मुझे रघुनंदन का पोर्ट्रेट करना है तो मुझे मेरी व्यक्तिरेखा एक थर्ड पर्सन करके मुझे नजर आनी चाहिए। ये जब हम सीखे थिएटर के अंदर, तो मेरे जीवन काल में जितने भी सारे किरदारों को मैंने पोर्ट्रेट करने की कोशिश की, तो सारे किरदारों ने मैं पर्सन लेवल पे मुझे कुछ ना कुछ तो मुझे दिया। लेकिन रघुनंदन यानी रामचंद्र दास परमहंस जी के किरदार ने मेरे अंतर मन पर एक अलग थॉट प्रोसेस मेरी डेवलप होने लगी। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अशोक समर जी थे, 695 में बहुत अहम किरदार निभाया, और उनका कहना है कई किरदार निभाए बॉलीवुड में, लेकिन इस किरदार को करने के बाद कई रात सो नहीं पाए, और जब जागे तो ऐसे जागे कि एक नई थॉट प्रोसेस उनके अंदर शुरू हो गई है। कैमरामैन नवीन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। दरअसल ये 695 यानी 695 जो टाइटल रखा गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि ये तीन महत्वपूर्ण तारीख हैं, ये तिथियां हैं जो कि अयोध्या में बने राम मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। 6 दिसंबर 6 तारीख वो दर्शाता है जहां विवादित बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ, फिर 9 तारीख और 5 तारीख जब कोर्ट का फैसला है। तो इस तरह से ये पूरा टाइटल तैयार हुआ है, और इस पूरी फिल्म में राम मंदिर के निर्माण तक का जो मार्ग प्रशस्त हुआ